बीए पार्ट सेकंड के राजनीति विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज सुजानगढ़। हमने अपनी पिछली क्लासेस में भारत के स्वतंत्रता से पूर्व जो ब्रिटिश सरकार ने सुधार करने के लिए शासन में विभिन्न अधिनियम दिए थे उनके बारे में डिस्कस किया। हमने 1919 का एक्ट देखा, हमने 1909 का एक्ट देखा, आज हम पढ़ेंगे 1935 के अधिनियम के बारे में। 1935 का जो अधिनियम है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब भारतीय संविधान बनाया गया तो ऐसा माना जाता है कि इसमें से बहुत सी व्यवस्थाएं हमने काम में ली हैं। इसकी जो पृष्ठभूमि है ये 1930, 1931 और 1932 के गोलमेज सम्मेलन में जो विचार विमर्श हुआ था उस पर एक तरह से आधारित है। मार्च 1933 में भारत में शासन सुधार करने के लिए योजना के बारे में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया और उसी के आधार पर उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना का सुझाव भी दिया गया। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1935 में भारतीय शासन अधिनियम का निर्माण किया। ये अधिनियम एक विस्तृत दस्तावेज है, बहुत लंबा है, जिसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। जहाँ एक तरफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा था, वहीं ब्रिटेन के सामने भी खुद की सत्ता को बनाए रखने के लिए अपने हितों की रक्षा का प्रश्न उपस्थित था। ऐसी स्थिति में इस अधिनियम को लाकर कुछ हद तक भारतीयों को संतुष्ट करना, लेकिन अपनी सत्ता को पूरी तरह से हस्तांतरण नहीं करने की नीति इस अधिनियम के अंतर्गत अपनाई गई। इस अधिनियम की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं उसके बारे में हम बातचीत करते हैं। पहली विशेषता जो थी, जो आज भी हमारे देश में अपनाई गई है, वो है अखिल भारतीय संघ की स्थापना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं और जैसा जानते हैं कि भारत स्वतंत्रता से पूर्व छोटी और बड़ी देशी रियासतों से मिलकर के बना था। ऐसे में उसको एक संघ के रूप में बनाना एक तरह से एक महत्वपूर्ण बात थी। ब्रिटिश सरकार ने केंद्र में देशी रियासतों को और ब्रिटिश प्रांतों को मिलाकर एक संघ को स्थापित करने की बात इस अधिनियम में की। इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र और उन देशी रियासतों को शामिल किया गया जो अपनी इच्छा से संघ में शामिल होना चाहते थे। देशी रियासतों के लिए कोई बाध्यता इसमें नहीं रखी गई थी। संघ की स्थापना में ये भी बता दिया गया था कि जो देशी रियासतें थीं उनकी कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें अगर संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करें तो इसके लिए देशी रियासतों को एक प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर करने थे और इस प्रवेश पत्र पर उन शर्तों का उल्लेख था जिससे उन्हें संघ में शामिल होने की मंजूरी मिलेगी। इस तरह से इन शर्तों के पूरा होने पर सम्राट संघ की स्थापना की घोषणा करेंगे और जो देश में सम्मिलित होने का कोई प्रस्ताव देशी रियासतों के द्वारा नहीं दिया गया और इसलिए संघ की प्रस्ताव संबंधी घोषणा जारी करने का अवसर नहीं आया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी इस अधिनियम की वो है प्रांतों में स्वायत्तता। हमने 1919 के एक्ट को जो पढ़ा था तो ये बात की थी कि उसमें द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, लेकिन वो बहुत सफल नहीं रही, इसलिए 1935 के इस अधिनियम के माध्यम से उसको ख़त्म कर दिया गया और इन प्रांतों को स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार दे दिया गया। जो प्रांतीय शासन था वो लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिया गया, उनके नियंत्रण में दे दिया गया और ये कोशिश की गई कि गवर्नर मंत्रियों के सलाह से कार्य करेंगे। ये भी इस अधिनियम में कहा गया कि गवर्नर द्वारा प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता की सहमति से होना चाहिए, यानी एक तरह से आज हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कुछ कुछ वैसी व्यवस्थाएं इसमें लाने की का प्रयास किया गया था। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी भी बनाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि गवर्नर की शक्तियां कम कर दी गई थी। गवर्नर को विशेष उत्तरदायित्व और शक्तियां दी गई थी।
इसके बावजूद भी 1935 का जो एक्ट है वो काफ़ी हद तक प्रांतीय स्वायत्तता देने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरी जो विशेषता है वो है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। देखिए 1919 के एक्ट में जहाँ प्रांतों में इसे लागू किया गया था, 1935 के एक्ट में इसे केंद्र में लागू किया गया, प्रांतों से खत्म कर दिया गया इसे 1935 के एक्ट में। और कुछ जो महत्वपूर्ण विषय थे जो पूरे राष्ट्र से संबंधित थे, देश से संबंधित थे, जैसे सुरक्षा है, विदेश संबंध है, धार्मिक मामले हैं, कबायली क्षेत्र की व्यवस्था है, तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे ये गवर्नर जनरल के हाथ में रख दिए गए और ये कहा गया कि वो अपने विवेक से भी इस पर निर्णय कर सकते हैं। और ये जो प्रमुख विभाग थे इनके लिए एक 3 परामर्शदाताओं की नियुक्ति भी गवर्नर जनरल कर सकते थे। अन्य विषयों के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई जिनसे गवर्नर जनरल सहायता ले सकते थे, परामर्श कर सकते थे। ये निश्चित कर दिया गया कि इन मंत्रियों की संख्या 10 से ज़्यादा नहीं हो सकती। मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे वे जो विभाग उनके पास थे उसके अतिरिक्त विभागों की व्यवस्था भी कर सकते थे, उनके भी लिए भी कार्य कर सकते थे। मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व को भी सामूहिक रखा गया, यानी एक तरह से मंत्रियों को भी उत्तरदायी बनाया गया। अगली जो बात आती है इसमें वो है संरक्षण और आरक्षण। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात थी कि ब्रिटिश सरकार एक तरफ तो सत्ता को उत्तरदायी बना रही थी, वहीं दूसरी ओर अपनी शक्ति में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भी वो शामिल नहीं कर रही थी। तो दो बातें इसमें आती हैं। पहली बात ये कि ब्रिटिश सरकार का मानना था कि भारतीयों के पास क्योंकि इस तरह का अनुभव नहीं है कि वो उत्तरदायी शासन चला सकें, इसलिए उत्तरदायी शासन में गलती कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि अल्पमत के हितों को ब्रिटिश सरकार संरक्षित करना चाहती थी, ये उसकी नीति थी, ताकि वो बहुसंख्यक भारतीयों में फूट डाल सके। तो इसके लिए गवर्नर जनरल को केंद्र और प्रांत के उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिए गए। ये अधिकार ही संरक्षण और आरक्षण के रूप में जाने जाते हैं। पांचवी जो विशेषता है वो है विधानमंडलों का विस्तार। यहीं से संघीय व्यवस्थापिका में 2 सदनों की व्यवस्था की गई। पहला सदन संघीय विधानसभा, इसमें 375 सदस्य रखे गए, और दूसरा सदन राज्य परिषद के नाम से रखा गया था जिसकी सदस्य संख्या 260 रखी गई। जो प्रांत थे उन प्रांतों में भी 11 में से 6 प्रांतों के विधानमंडल द्विसदनात्मक रखे गए। लेकिन आज की जो व्यवस्थापिका की का संगठन है उसके विपरीत एक बात इसमें रखी गई कि जो निम्न सदन है, यानी आज जो हमारा लोकसभा है, हम उसका प्रत्यक्ष चुनाव करते हैं, हम स्वयं उसको वोट देकर के उसके सदस्यों को चुनते हैं, लेकिन 1935 के एक्ट में जो निचला सदन था उसको अप्रत्यक्ष रूप से बनाने का प्रावधान किया गया और जो उच्च सदन था उसके निर्वाचन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। जबकि वर्तमान में जो हमारा उच्च सदन है संसद का, राज्यसभा, उसमें अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों से प्रतिनिधि आते हैं। छठी जो विशेषता है वो है मताधिकार का विस्तार। यहाँ पर भी मताधिकार बढ़ाया गया प्रांतों में। हमने जैसा देखा था 1919 के एक्ट में महिलाओं को भी मताधिकार दे दिया गया था, अब मताधिकार और बढ़ा दिया गया। और लेकिन उसमें कुछ कमियाँ भी थी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अगली जो विशेषता है वो शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन किसी भी संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता होती है। तो क्योंकि भारत में संघीय व्यवस्था को अपना लिया गया था, इसलिए इस अधिनियम के माध्यम से प्रांत और केंद्र के मध्य शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा कर दिया गया। आज भी हम देखते हैं हमारे संविधान में ये व्यवस्था ली गई है और इसका प्रभाव, 1935 के एक्ट का प्रभाव हम उसमें देखते हैं, भारतीय संविधान में भी हमें दिखाई देता है। इस स्पष्ट विभाजन के लिए 3 सूचियाँ बनाई गई। एक संघीय सूची जिसमें राष्ट्रीय महत्व के 59 विषयों को रखा गया, जिसमें सेना आती है, 3 तरह की, विदेश विभाग आते हैं, डाक, तार, मुद्रा, संघीय लोक सेवा आती है, संचार आती है, बैंक और बीमा जैसी सेवाएं आती हैं। दूसरी सूची जो प्रांतों से संबंधित थी, प्रांतीय सूची, जिसमें स्थानीय महत्व के 54 विषय रखे गए थे, 54, इसमें शांति, न्याय, न्यायालय, प्रांतीय लोक सेवाएं, अस्पताल, जनस्वास्थ्य, नहर, जंगल, शिक्षा, कृषि, सड़क और स्थानीय स्वशासन जैसे महत्वपूर्ण विषय इसमें रखे गए थे। तीसरी जो सूची थी वो थी संवर्ती सूची, इसमें 36 विषय रखे गए थे। इसमें जो विषय रखे गए थे वो थे दीवानी और फौजदारी
मामले, विधि यानी कानून से संबंधित विधि, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, कारखाने, श्रम, कल्याण, दत्तक ग्रहण यानी गोद लेने की विधि, तलाक, इस तरह के मामले इसमें रखे गए थे, इस तरह के विषय इसमें रखे गए थे। संघ सूची पर संघ व्यवस्था कानून बनाएगी और प्रांत सूची पर प्रांत की सरकार कानून बनाएगी, लेकिन प्रांतीय सूची के विषयों पर व्यवस्थापिका जो है, प्रांतीय विषय जो थे उस पर प्रांतीय सरकार कानून बनाएगी, लेकिन जो संवर्तीय सूची थी, जो इस तरह के जिसमें विषय रखे गए थे, जो सामान्य विषय थे, उस पर संघ और प्रांत दोनों कानून बना सकते थे। यही व्यवस्था आज भी हमारे संविधान में रखी गई है और ये भी इसमें रखा गया था कि यदि दोनों सरकारों में कोई विरोध होता है किसी कानून पर, दोनों ने बना दिया, तो ऐसी स्थिति में केंद्र यानी संघीय व्यवस्था का कानून ही मान्य होगा। अविशेष शक्तियाँ कुछ रखी गई थी, यानी कोई ऐसा मैटर है जो इन सबसे अलग नया मैटर है, आता है सामने कोई ऐसा विषय, तो वो शक्ति ना तो संघ को दी गई ना प्रांत को दी गई, बल्कि वो गवर्नर जनरल को सौंप दी गई। इस तरह से गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया कि किसी भी सूची में यदि किसी विषय का उल्लेख नहीं है तो वह उस पर कानून बना सकता है। तो जो हमारा 1935 का एक्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और ये जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि आगामी जो हमारा संविधान बनता है, बना जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ जो, और 1950 में जो लागू हुआ हमारा संविधान, उसमें बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी है जिनको हम 1935 के एक्ट में अनुभव कर चुके थे। अगली विशेषता है संघीय न्यायालय की स्थापना। इस अधिनियम के माध्यम से एक संघीय न्यायालय बनाया गया, क्योंकि संघ की स्थापना की गई थी और संघ के लिए, किसी भी संघ के लिए ये आवश्यक है कि उसमें एक न्यायालय हो, ताकि केंद्र और संघ के मध्य अगर कोई विवाद आता है तो उसको आसानी से सुलझाया जा सके। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। इसका जो अधिकार क्षेत्र था वो केंद्र, प्रांत और रियासतों सभी को लेकर के बनाया गया था, इसलिए बहुत विस्तृत इसका क्षेत्राधिकार था। इसे मौलिक और अपील संबंधी अधिकार दिए गए थे। इस न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी था। इसे प्रांत और संघीय सरकारों को एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण रोकने का दायित्व भी दिया गया था। हालांकि ये अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अंतिम तौर पर जो शक्ति थी न्यायालय की वो ब्रिटेन स्थित प्रिवी काउंसिल को दी गई थी, यानी अंतिम तौर पर कोई निर्णय अगर होना है, कोई विवाद है उस पर और यहाँ नहीं हो पा रहा है उसका हल, तो वो प्रिवी काउंसिल ब्रिटेन की जो है उस तक उसको दिया जा सकता था। अगली विशेषता जो हम देखेंगे और वो आज हमने संसद को अपनाया है और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, तो यहाँ पर भी ब्रिटेन की इस विशेषता को भारत में 1935 के अधिनियम में लिया गया। संसद की सर्वोच्चता का इसमें प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में ये माना गया कि जो ब्रिटिश संसद की स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। प्रांतीय और केंद्रीय व्यवस्थापिका कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए अधिनियम में केवल संशोधन की सिफारिश कर सकते थे, लेकिन इसका अंतिम निर्णय ब्रिटिश संसद को ही करना होता था। तो भारत में हालांकि सारा शासन चलेगा, लेकिन ब्रिटिश संसद ही अंतिम तौर पर काम करेगी, अंतिम तौर पर निर्णय वही करेगी, ये बात इसमें रखी गई थी। तो जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई बहुत सारी शक्तियां हस्तगत की जा रही हैं या लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश संसद ने बहुत सारे जो कानून थे इस तरह से दिए हैं इसमें कि आम जनता तक पहुंच सके उसका लाभ, लेकिन ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को यथावत इसमें रखा गया। अगला था कि इस अधिनियम में किसी प्रकार की प्रस्तावना नहीं थी जिससे कि इस अधिनियम के उद्देश्य के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो सके। 11वीं विशेषता है इसकी, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए
लेकिन ये भारत मंत्री की इच्छा पर निर्भर था कि वो परामर्श लेता है या नहीं लेता है। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाएं थी या जो सेवाएं थी उनके संबंध में भारत मंत्री को इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों में जो परिवर्तन किए गए थे उनके अनुसार भारतीय शासन पर भारत मंत्री की शक्ति कुछ कम हो गई थी, क्योंकि प्रांतों को और केंद्र को अलग अलग शक्तियों का बंटवारा इसके माध्यम से कर दिया गया था। अगली विशेषता, वास्तव में विशेषता नहीं है, हम कहेंगे एक बहुत बड़ी कमी थी जिसने आगे तक भारतीय राजनीति के लिए विषबेल बोई है, यह सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और ज़्यादा विस्तार कर दिया गया। हम लोगों ने पिछले अधिनियम जब पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत एक तरह से भारतीय राजनीति में फूट डालने के लिए की गई थी, और 1935 के एक्ट में इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और फूट डालो और राज करो की नीति खुलकर के सामने आने लगी। इसमें आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, यूरोपियन और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति को बढ़ा दिया गया। संघीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में मुसलमानों को एक तिहाई स्थान प्रदान किए गए। अगली विशेषता है बर्मा, बरार और अदन जो प्रदेश थे उनके बारे में एक विशेष व्यवस्था की गई। 1935 के अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। बर्मा जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और आज म्यांमार नाम के एक स्वतंत्र देश के रूप में है, वो पहले भारत का एक अभिन्न हिस्सा था लेकिन 1935 के एक्ट से इसको अलग कर दिया गया, और अदन को भारत के नियंत्रण से मुक्त करके 1 अप्रैल 1937 को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। हालांकि जो बरार प्रदेश था उसके ऊपर अहमदाबाद के निजाम की नाममात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई, लेकिन शासन की दृष्टि से ये मध्य प्रांत का हिस्सा बना रहा। तो इस तरह से ये इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। अब देखते हैं इसका मूल्यांकन, इसकी आलोचना, इसकी कमियां, क्योंकि निश्चित रूप से ये भारतीयों को स्वशासन देने के लिए नहीं था, स्वराज देने के लिए नहीं था, ब्रिटिश हितों के पोषण के लिए था, लेकिन कुछ हद तक भारतीयों को इससे फ़ायदा ज़रूर मिला। पहली जो कमी है इसकी वो है दोषपूर्ण संघ की स्थापना। हालांकि ये सबसे महत्वपूर्ण इसकी विशेषता थी, आधारभूत लक्षण था इसका, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीयों को सत्ता नहीं दी गई और न ही संघीय हस्तक्षेप में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार दिया गया और न ही आत्म निर्णय का कोई अधिकार दिया गया। जो भी विशेष शक्तियां थी वो सारी गवर्नर के पास थी और भारतीय व्यवस्थापिका को विधान में किसी भी प्रकार के संशोधन का अधिकार भी नहीं दिया गया था। दूसरी जो कमी थी इसकी वो थी प्रांतीय स्वशासन एक भ्रम मात्र था। बाहरी नियंत्रण से किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं थी इसमें, प्रांत में किसी प्रकार के उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं की गई थी। गवर्नर जनरल और जो गवर्नर थे उनको बहुत सारे विशेष उत्तरदायित्व दिए गए थे जिससे प्रांतों में जो स्वशासन की स्थिति थी वो ठीक नहीं थी और ना ही वो स्थापित हो पा रही थी। प्रांतीय शासन सम्राट द्वारा नियुक्त गवर्नर के माध्यम से ही चलना था और चल रहा था, न कि राज्य के मुख्यमंत्री के माध्यम से। तो इस तरह से जो प्रांतीय स्वशासन था वो भी मात्र एक दिखावा था। जो संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो पूरी तरह से 1935 के एक्ट की जो व्यवस्थाएं थी, हम ये कहें जो उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए क्लॉज दिए गए थे, उनको असफल करती हुई प्रतीत होती है। उसमें ब्रिटेन का हित ज़्यादा था, भारत का नहीं था, क्योंकि उसमें ये माना गया कि भारतीय शायद गलती कर सकते हैं, भारत को अनुभव नहीं है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था और इसीलिए इसके माध्यम से ब्रिटेन ने अपने साम्राज्यवाद को अपनाने का या उसके साम्राज्यवाद को बढ़ाने का या उसकी रक्षा का एक उपाय एक तरह से 1935 के एक्ट के रूप में दिया था। अगली जो इसमें बहुत बड़ी कमी थी वो थी सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का और ज़्यादा विस्तार कर देना, और इस ये जो विस्तार था सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का, इसने आज तक भारतीय राजनीति की एकता को खंडित करने में बहुत ही ज़्यादा हम कहें कि ऐसी भूमिका निभाई है जिसके कारण भारत के टुकड़े भी हुए और आज तक हम उसके बुरे परिणामों को देख रहे हैं। और अगली जो कमी या मूल्यांकन के तौर पर हम देख सकते हैं वह आत्मनिर्णय के अधिकार का इसमें अभाव है।
इस अधिनियम को ब्रिटेन की संसद ने बनाया था, ब्रिटेन की संसद की सर्वोच्चता को इसमें रखा गया था, और भारत मंत्री के अधिकार और उसके नियंत्रण के क्षेत्र में कोई कमी नहीं की गई थी। इससे वास्तव में भारतीयों को कोई आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं मिला था। तो इस तरह से 1935 का एक्ट जहां दिखने में भारतीयों को बहुत कुछ देता हुआ नज़र आता है, वहीं हमने देखा कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखना, न्यायालय के रूप में प्रिवी काउंसिल को अंतिम मानना, गवर्नर जनरल और गवर्नरों की स्थिति को मजबूत रखना और केंद्र की सत्ता को ज़्यादा मजबूत रखना जैसी जो स्थितियां थीं, उसने काफ़ी हद तक स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के जो अधिकार थे भारतीयों को जो मिलने चाहिए थे इस 1935 के एक्ट के माध्यम से, वो भारतीयों को नहीं मिल पाए।